अलीगढ़ में ई रिक्शा चालक को लुटेरा पकड़ना भारी पड़ गया। बदमाश ने अपने बचाव में रिक्शा चालक से छूटने के लिए सिर में गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया है। मौके पर हुई 45 वर्षीय शिशुपाल सिंह की मौत हो गई, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया। बदमाश राह चलते लोगों से लूट की वारदात को दे रहा था अंजाम। चोर चोर शोर मचा कर पकड़ने पर बदमाश ने हत्या की घटना को अंजाम देकर मौके से भाग निकला, जिस पर एकत्रित भीड़ ने बदमाश को पकड़ लिया और जमकर पीट पीट कर पुलिस के हवाले कर दिया है। पूरी घटना थाना कौसी के कयामपुर मोड़ की है। बीओ जानकारी के मुताबिक अलीगढ़ के थाना कौसी इलाके के कयामपुर मोड़ से होकर श्रीनगर कॉलोनी निवासी 45 वर्षीय शिशुपाल सिंह गुजर रहे थे, जहां पर उन्होंने एक बदमाश को लूटपाट की घटना को अंजाम देते हुए देखा। लोगों की मदद करते हुए शिशुपाल ने लुटेरे बदमाश को पीछे से पकड़ लिया और चोर चोर का शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर सुनकर मौके पर आसपास के लोग एकत्रित हो गए और वह बदमाश की ओर बढ़ने लगे। बदमाश ने अपने आप को बचाने के लिए पीछे से पकड़े हुए शिशुपाल के सिर में गोली दाग दी, जिससे शिशुपाल की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। लेकिन मौके पर मौजूद भीड़ ने बदमाश को पकड़ लिया और जमकर धुनाई कर डाली। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आनंद फानंद में बदमाश को अपने कब्जे में लेकर थाने में बंद कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बदमाश का नाम गुड्डू पुत्र विसंबर गांव महुआ खेड़ा का निवासी बताया गया है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आक्रोशित भीड़ को समझा बुझा कर शांताया है। यहाँ अभी श्रीनगर क्षेत्र में थाना कुआरसी में जो है एक व्यक्ति शिशुपाल नाम जो टेरी चलाता है, उसे जो है किसी व्यक्ति ने गोली मार दी है। मोहल्ले वालों से बात की गई, उनका कहना है कि एक व्यक्ति जो है वो तमंचा लेकर घूम रहा था, एक व्यक्ति से बाइक छीनने का प्रयास किया, इसके अतिरिक्त भी एक महिला पर जो है महिला के ऊपर जो उसने तमंचा तान दिया तथा इवेंचुअली एक व्यक्ति को गोली मारी है उसने। तो इसमें जो है अभी तत्काल एसएचओ को निर्देश दिया गया कि अभी पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई करें। गुड्डू नाम का एक व्यक्ति है और तत्काल कार्रवाई की जा रही है।